दोस्तों, आज मैं आपके लिए चार ऐसे खतरनाक जानवर लेकर आया हूं जिनका सिर्फ एक बाइट जानवरों की दुनिया का सबसे ज्यादा दर्द देता है। यहां तक कि कुछ जानवरों का डंक आपकी जान भी ले सकता है। गिला मून स्टार। ये छिपकली दुनिया की उन जहरीली छिपकलियों में से एक है जिसके काटने पर आपका पूरा शरीर विकलांग हो जाएगा, यहां तक कि आप मर भी सकते हो, जिसके नुकीले नाखून इसे अपने शिकार को मारने में मदद करते हैं। वैसे तो ये इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर आप इसे छेड़ते हो तो ये आपका तब तक पीछा करेगा जब तक ये आपका जहर उसमें डाल ना दे। लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि इसमें जहर का इस्तेमाल डायबिटीज जैसी बीमारी के इलाज में किया जाता है। प्लेटिपस। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ये जानवर वैसे तो जहरीला नहीं होता, और आज तक कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई जो ये साबित करती है कि ये जानवर किसी को मार सकता है। लेकिन इनमें से कुछ के पास एक ऐसा कांटा मौजूद होता है जो ठीक उनके पैरों के पास होता है, जिसमें से वो जहर निकाल सकता है, जो काफी दर्दनाक होता है। ये न केवल इंसान के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी मौत का कारण बन सकता है। फायर अर्चीन। ये यूनिक सा दिखने वाला समुद्र में पाया जाता है, जो कि अपने शानदार लुक से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और जैसे लोग इसके नजदीक जाते हैं तो इसमें लगे कांटों की मदद से वो एक ऐसा जाय लोगों के अंदर छोड़ देता है जिससे उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और कुछ ही देर में उनकी धड़कनें बंद हो जाती हैं। कई साइंटिफिक स्टडी में बताया गया है कि अगर इसका कांटा किसी इंसान को लग जाए तो उस इंसान का बचना नामुमकिन हो जाता है। बॉक्स से जेली फिश। ये जेली फिश दुनिया भर में 100 ज्यादा लोगों को अपने जहर का शिकार बना देती हैं, जिनमें से 40 लोग तो केवल फिलीपींस के होते हैं, क्योंकि बॉक्स जेली फिश ज्यादातर फिलीपींस के समुद्र में पाई जाती है, जिसका ट्रांसपेरेंट लुक बिना किसी को नजर आए इसे अपनी शिकार तक पहुंचने में मदद करता है। लोगों की माने तो ये जैसे ही किसी इंसान पर अटैक करती है, इंसान का शरीर तड़पने लगता है और उसके कुछ देर बाद ही वो मर भी जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कितने खतरनाक डंक वाले जानवर हमारे इस पृथ्वी पर है क्या? इस सीरीज का पार्ट और चाहिए कमेंट करिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को पसंद आए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।